8 अगस्त को निर्मल महतो शहादत दिवस के अवसर पर पूरे प्रदेश में विधानसभा स्तरीय, जिला स्तरीय निर्मल महतो का शहादत दिवस मनाया जाएगा। 9 अगस्त को आदिवासी दिवस के अवसर पर पूरे प्रदेश में आदिवासी दिवस पार्टी ने मनाने का निर्णय लिया है, जिसके तहत जो उस क्षेत्र में अतुलनीय कार्य किया है उसको सम्मानित भी किया जाएगा। मुख्य रूप से 8 अगस्त के शहादत दिवस के अवसर पर जमशेदपुर में निर्मल डहर संकल्प दिवस, मैंने निर्मल जी, स्वर्गीय निर्मल महतो के सोच के अनुरूप युवाओं का संकल्प आयोजित किया गया है कि उनका क्या सोच था झारखंड अलग राज्य बनाने के पीछे, आसू गठन करने के पीछे, उनके सोच के अनुरूप उस पथ पर चलने के लिए युवा संकल्प लेंगे। आज पार्टी कार्यालय में पलामू के बहुत सारे प्रबुद्ध लोग और प्रदेश के भी कुछ प्रतिष्ठित डॉक्टर्स पार्टी में शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सम्मिलित रहेंगे और उनको, उनके अनुभव को, उनके योगदान को पार्टी निश्चित तौर पर इस राज्य की बेहतरी के लिए हम लोग उनसे ये अनुभव प्राप्त करेंगे। 10 को ये जो विश्व आदिवासी दिवस का अवसर पर झारखंड जो कार्यक्रम है उसमें आप लोग क्या कुछ आपको क्या कुछ भूमिका होगी, अपनी होगी या केवल सरकारी प्रोग्राम बनकर रह जाएगा? एक सरकार के तरफ से राज्य में बिरसा मुंडा के नाम से बनाया गया समरणालय या म्यूजियम, जहाँ पर आदिवासी दिवस आयोजित करने का निर्णय लिया गया है या किया जा रहा है, आपके माध्यम से ही सूचना मिली है कि वहाँ पर जो भी स्ट्रक्चर बने हैं, जो पेड़ लगे हुए हैं, जो उनकी खूबसूरती के लिए बनाया गया था, उस खूबसूरत जगह को जो एक दर्शनीय स्थल के रूप में बनाया गया था, उसको एक ओकेजन के नाम पे मिटाया जा रहा है जो ठीक नहीं है। राज्य में आदिवासियों के प्रति चिंतन मंथन, उनकी दशा, उनकी दिशा, आदिवासी विरासत, उनकी संस्कृति को लेकर के चिंतन करना ये अच्छी बात है, लेकिन धरोहर को मिटाना या जिसके लिए आप लाखों करोड़ों रुपया खर्चा कर रहे हैं, कि एक कार्यक्रम के लिए उसको धराशायी कर रहे हैं एक। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।